हाय डियर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। ये टिप्स आप में से काफ़ी सारे लोग अपने डेली रूटीन में फॉलो भी करते होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। चलिए देखते हैं। टिप नंबर वन, जिन मसालों को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें गैस के पास रखिए, जिससे खाना बनाते टाइम आपको इजीली यूज़ भी करते बनेगा और टाइम भी सेव होगा। टिप नंबर टू, सिंक एरिया के पास एक छोटा सा डस्टबिन रखें, जिसमें आप सब्जी वगैरह कट करते टाइम उसके छिलके डालने के लिए यूज़ करें, जिससे आपके प्लेटफॉर्म गंदा भी नहीं होगा और टाइम भी सेव होगा। हो सके तो सिंक एरिया के पास खड़े होकर सब्जी को कट भी करिए और वॉश भी करिए। ऐसे करने से आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता है और टाइम भी सेव होता है। टिप नंबर थ्री, जब भी आप खाना बनाएं एक गीला कपड़ा गैस के पास ज़रूर रखिए। आप कितना भी संभाल के खाना बनाते हैं तब भी कुछ ना कुछ गैस पर गिर ही जाता है, चाहे तेल हो चाहे मसाला हो। तुरंत उस गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। ऐसे करने से आपका टाइम भी सेव होता है और गैस भी एकदम साफ सुथरी रहती है। टिप नंबर फोर, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बर्तन धोना पसंद नहीं होगा। ये टिप खास उन लोगों के लिए है, जब आपकी सब्जी बन रही होती है उस टाइम का यूज़ करिए। सिंक में पड़े हुए बर्तनों को तुरंत धो लीजिए। ऐसे करने से जब तक आपकी सब्जी बनेगी आपके सारे बर्तन भी धुल जाएंगे, ऐसे में आपका टाइम भी सेव होगा। टिप नंबर फाइव, जब भी आप सब्जी बनाएं चम्मच को हमेशा ऐसे एक छोटे प्लेट में रखिए, इससे आपकी गैस भी गंदी नहीं होती। टिप नंबर सिक्स, किचन साफ़ करने का कोई पर्टिकुलर डे मत डिसाइड करिए। जब भी आप सब्जी बनाते हुए टाइम मिल जाए तो डेली यूज़ में आने वाले मसालों के डब्बों को तुरंत गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ऐसे करने से डब्बे एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। टिप नंबर सेवन, सब्जी बनाने के बाद सब्जी को तुरंत एक सर्विंग बाउल में निकालकर अलग कर दीजिए और सब्जी बनाने के लिए यूज़ की हुई कढ़ाई या बर्तन को तुरंत धोकर रख दीजिए। ऐसे करने से खाना खाने के बाद आपको कम बर्तन धोने, बर्तनों के साथ साथ डस्टबिन को भी अच्छी तरीके से धो के रखिए। अब हम आते हैं टिप नंबर एट पर। जब भी आपका कुकिंग फिनिश हो जाए आप गीले स्क्रबर पर थोड़ा सा डिशवॉशर जेल लगाकर गैस पर, गैस के नीचे और गैस के सामने वाली दीवार पर अच्छे से स्क्रब करके एक गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ कर लीजिए। ऐसे करने से आपका गैस स्टोव एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। अब हम आते हैं टिप नंबर नाइन पर। कभी भी बचे हुए पानी में स्क्रबर को ऐसे डुबाकर मत रखिए। स्क्रबर को हमेशा धोकर साफ कर सूखने के लिए पाइप पर या धूप में रख दीजिए। ऐसे करने से स्क्रबर में बदबू और जर्म्स नहीं आएंगे। पॉसिबल है तो लोकल ब्रांड का स्क्रबर यूज़ करिए, जो जल्दी ख़राब होगा तो आप उसको जल्दी चेंज करेंगे। अब हम आते हैं टिप नंबर 10 पर। जब भी आप चिकन या फिश वगैरह धोते हैं, धोने के बाद सिंक को अच्छी तरीके से बेकिंग सोडा और नींबू लगाकर अच्छी तरीके से घिसकर धोइए। ऐसे करने से सिंक में से फिशी स्मेल भी जाता है और सिंक में भी एक चमक आती है। अब हम आते हैं टिप नंबर 11 पर। सिंक के पास हमेशा एक हैंड वॉश की बॉटल रखिए। ऐसे करने से आपको हाथ धोने के लिए बार बार वॉश एरिया के पास जाना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी सेव होगा, साथ ही साथ किचन में अच्छी खुशबू भी आएगी। टिप नंबर 12, किचन में हमेशा दो कपड़े रखिए, एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा, और सिंक के नीचे हमेशा एक मैट बिछा के रखिए, जिससे बर्तन धोते टाइम पानी जो फ्लोर पर गिरता है वो मैट पर गिरेगा और किचन भी क्लीन रहेगा। अब हम आते हैं टिप नंबर 13 पर। किचन के कंटेनर्स को सबको एक साथ मत साफ करिए। जब भी आपका किराना ख़त्म हो जाए रिफ़िल करने से पहले आप उस डब्बे को धो लीजिए। ऐसे करने से आपका टाइम भी सेव होगा और डब्बे भी सारे साफ़ सुथरे रहेंगे। अब हम आते हैं टिप नंबर 14 में। मसालों के डब्बों में ऐसे एक हींग का टुकड़ा डाल के रखें। ऐसे रखने से मसालों में लगने वाले कीड़े नहीं लगते हैं और मसाले साल भर फ्रेश रहते हैं।
अब हम आते हैं टिप नंबर 15 पर। दोनों टाइम किचन क्लीनिंग के बाद आप एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा डेटॉल और पानी को मिक्स करके किचन फ्लोर पे स्प्रे कर दीजिए। ऐसे करने से किचन में पेस्ट कंट्रोल के काम करता है ये लिक्विड, और साथ ही साथ आप ऊत या कपूर को जलाकर किसी कॉर्नर में रख दीजिए। ऐसा करने से किचन में प्याज और लहसुन की स्मेल भी दूर होती है और साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने किचन को एकदम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने कुकिंग टाइम का सही यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई मेरा चैनल पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।